हाँ जी, तो अगर आप लोग जामिया में एडमिशन लेना चाहते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम लोग उसकी लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग डिस्कस करें तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जामिया की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी बच्चे CUET UG एग्जाम दिए हैं, वो सब अगर जामिया में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक आएगी। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग को एडमिशन लेना है डिस्टेंस प्रोग्राम में या फिर किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेना है एक्सेप्ट CUET, तो जो रजिस्ट्रेशन है जामिया के लिए वो ओपन है, तो आप लोग डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप लोग वेबसाइट पर आओगे तो इधर आप लोग को शो हो जाएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, अगर आपको जामिया में CUET के थ्रू एडमिशन लेना है BSc बायोटेक्नोलॉजी या फिर अदर कुछ भी कोर्सेस है जामिया में जिसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो, तो वो सब के लिए आप लोग को जो भी UG प्रोग्राम करना चाहते हो तो उसके लिए तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी। जामिया की सेपरेट अप्लीकेशन फॉर्म आएगी। एंड सेम लास्ट ईयर भी इनकी अप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग से आई थी जिसमें स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ा था, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो उतने अवेयर नहीं थे एंड अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भूल गए थे, तो बाद में इनकी अप्लीकेशन फॉर्म एक दो बार एक्सटेंड की गई थी एंड बाद में फिर से इनकी ओपन हो गई थी एक दो दिन के लिए। बट अगर हम लोग दिस ईयर की बात करें तो अर्ली ईयर उन्होंने पहले ही रिजल्ट से पहले ही जामिया की अप्लीकेशन फॉर्म निकाल दी थी, तो अभी ये CUET UG के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एंड जैसे CUET UG की रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है, जो आप लोग की फाइनल रिजल्ट होगी, उसके बाद जो इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह है वो आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप लोग डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए अभी आपको वेट करना है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो रिजल्ट के बाद ही है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है तो एक दो दिनों में जो अप्लीकेशन फॉर्म होगी, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी काउंसलिंग के लिए, वो आउट हो जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग के लिए आप लोग उसमें अप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करके अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड जामिया की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।